अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप गूगल से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। मतलब आप अपनी खुद की एक एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड्रॉइड के लिए, iOS या विंडोज़ के लिए, और उसको गूगल प्ले स्टोर पर बेच के आप अपनी खुद की अर्निंग कर सकते हैं। आपको कोडिंग नहीं आती तो फिर मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा आप कोडिंग के बगैर अपनी खुद की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह बना सकते हैं और उसको किस तरह सेल कर सकते हैं। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक की कॉपी कर। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या होती है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो छोटे से नीचे तीर होता है, उसको क्लिक करें तो नीचे सारी जो पेज तक खुल जाते हैं जिसमें सारा कुछ लिखो, तो उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इस तरह आपको वेबसाइट का लिंक दिया होगा, उस वेबसाइट का जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मतलब ऐप गाइचर के नाम से एक वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्रिएट न्यू ऐप फॉर फ्री। तो सबसे पहले आपने इस पर क्लियर करना है क्रिएट ऐप। जब आप क्रिएट ऐप का पर करेंगे तो ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहाँ पे आप अपनी मुख्तलिफ टाइप्स की वेबसाइट, आप अपनी मुख्तलिफ एंड्रॉयड, iOS या विंडोज़ की एप्लीकेशन बना सकते हैं और उनको गूगल प्ले स्टोर पे बेच के आप अपनी घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपनी दो वेब मतलब एप्लीकेशन बनाई है, एक का नाम है जी बाली मैसेंजर और एक और मैंने वीडियो एडिटिंग के बारे में थोड़ी सी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इन प्रोसेस है, वो मैं कुछ दिनों में गूगल प्ले स्टोर पर भेज दूँगा। तो मैंने दो अपनी एप्लीकेशन बना ली, आप इस तरह अपनी एप्लीकेशन बना के उनको मोनेटाइज करवा के अच्छी तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे आप ओपन करते हैं कि क्रिएट न्यू ऐप, तो आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा, आपसे पूछेंगे आप किस तरह की वेबसाइट या किस तरह की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वेबसाइट टाइप्स की, कोई वीडियो कॉल वगैरह की, कोई क्विज, वॉलपेपर, कीबोर्ड, गाइड, इस तरह देख लें। ये डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज हैं जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब मैं कहता हूँ मैंने मैसेंजर बनाना है, मतलब मैंने जिस तरह कोई व्हाट्सएप है या कोई दूसरा फेसबुक का मैसेंजर या कोई और मैसेंजर वगैरह उस तरह बनाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से आप जिस टाइप्स की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो आप अपनी बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैंने मैसेंजर बनाना है तो मैं मैसेंजर पर क्लिक कर लेता हूँ। जब आप मैसेंजर पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ नया इंटरफेस खुलेगा, आपसे पूछेगा आपने मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है कि आपका जो मैसेंजर होगा वो किस तरह, उसकी लुक क्या होगी, उसके जो स्टेटस बार होगा, एक्शन बार होगा वो किस तरह नजर आएगा, उसकी बैकग्राउंड किस तरह होगा, मैसेंजर मैसेज बार किस तरह होगा, सारा कुछ यहाँ पर आपने बताना है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा जी यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आपने अटैच करनी है खुद से, मतलब जो आप मैसेज आपको शो होगा जिस तरह हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपके हमें एक बैकग्राउंड इमेज नजर आती है, वो आपने खुद से लगानी है। अटैच इमेज पर क्लिक करें, अटैच इमेज क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अच्छी सी इमेज क्लिक कर देनी है। मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर जाके मेरे पास कुछ फ्री की जो इमेजेस पड़ी हैं वो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। फाइनल पर मेरे पास ये पता है फोटो कलेक्शन और ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मतलब ये जो मैंने तस्वीर दी है ये उसके जो मेरा मैसेंजर होगा उसके बैकग्राउंड पर अपलोड हो जाएगी, ये मेरी हो गई। इसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग कर रहे हैं। एनेबल डायलॉग टैब इसको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको पूछेगा आपने क्या करना, मतलब कॉल कर सकते हैं अपने मैसेंजर पे, कोई इमरजेंसी क्या है, फेवरेट टैब कर सकते हैं, मतलब कोई मैसेज आप उसको फेवरेट कर सकते हैं। इस तरह आपने एप्लीकेशन की सेटिंग कर लेनी है, एनेबल कॉल वगैरह, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आप अपने एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है। तो सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिख लीजिए, इस तरह मैं लिख लेता हूँ जी बाली मैसेंजर। आप अपनी मर्जी से अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं, जो है आपके डिपेंड करता है आप किस तरह की बना रहे हैं। मैंने मैसेंजर टाइप का बनाया तो मैं बाली मैसेंजर का नाम लिख रहा हूँ। इस तरह आप अपनी मर्जी के लिख सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछेगा आपने अपना आइकन कौन सा यूज़ करना है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको देगी यहाँ से कोई यूज़ करना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कस्टम आइकन यूज़ करना चाहते हैं, आपके अपनी गैलरी में कोई सेव करके आपने खुद बना कर रखा है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर ये सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी को सिलेक्ट करें। अगर आप कस्टम आइकन यूज़ करना चाहते हैं, कोई खुद का बनाया तो उस पर कस्टम में क्लिक करके वो आप अपलोड कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहता हूँ ये जो बनाया ये कर देता हूँ, और यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगी क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक कर देना, ये थोड़ी सी देर लेगा। हाँ, और एक और बात, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपने इसको पहले साइन इन कर लेना इस ऐप को। ऐप का इधर किसी ने आपने गूगल अकाउंट से या फेसबुक वगैरह से आपने कनेक्ट कर लेना, मतलब मैं अपने फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये जब आपका कनेक्शन हो जाएगा, मतलब आपने इसके साथ अकाउंट बना के इसको साइन इन करना है, उसके बाद ये आपको अपनी ऐप देगी। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर अपनी ऐप बनाते हैं तो उसके बाद ये आपको मोनेटाइज की मतलब सहूलत प्रोवाइड करती है, मतलब ये जो ऐप गाइजर है ये आपको आपकी एप्लीकेशन मोनेटाइज करवा के भी देता है। मेरा साइन इन किया गया, इसके आपने साइन इन कर लेना। साइन इन हो गया उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। जब आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी आपका जो अकाउंट होगा उसमें एक साइड बार पे आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लें तो आपने अर्निंग किस तरह करनी है, अर्निंग करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आपने प्ले स्टोर पर अपलोड कर देना है। वो आपने अपलोड किस तरह करना है सारा कुछ आपको
ऐप गाइजर में आपको मिल जाएगा। आपका जो एक्शन बार है, आपका डैशबोर्ड, उस पर आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा। आपने आपको वीडियो दी जाएगी, आपने किस तरह अपना अकाउंट बना के गूगल प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, किस तरह अपने रिव्यूज़ बढ़ा सकते हैं, किस तरह की मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इस ऐप गाइजर को यूज़ करें, इससे आप अपनी एप्लीकेशन बनाएं। ये मेरी अकाउंट मतलब बन रही है, मेरे थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ सिर्फ क्रिएट करके आप अपनी एप्लीकेशन बन जाएगी। जब एप्लीकेशन बन जाएगी तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इसको प्ले स्टोर पर बेच देना है। जब प्ले स्टोर बेचेंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स के लोग आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे, एज अ मैसेंजर यूज़ करेंगे, तो फिर आपको अर्निंग होगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये गूगल से डायरेक्ट आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पसंद लाइक लाजमी कीजिएगा।